हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसे निर्मला ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं दाल ढोकली के साथ, जो गुजरात, अहमदाबाद, राजस्थान सभी जगह बहुत ही ज़्यादा फेमस है और सभी को अच्छी लगती है। तो मेरा न्यू ब्लॉग है ये दाल ढोकली का, तो देखिए और पसंद कीजिए। और जो भी चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट से। ये ले लिए मैंने अरहर की दाल और इसको मैं, तो ये मैंने डाल ली है कुकर में दाल धुल के, अच्छी तरीके से साफ करके मैंने इसको डाल ली। तो इसमें डाल देती हूँ मैं पानी से थोड़ा ज़्यादा ही ले लेना, जो नॉर्मल मसाले हैं वो ही, जैसे नमक के बाद इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट अनुसार डालें। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें बेट करना हल्दी पाउडर, ये हल्दी पाउडर। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर एक चम्मच। फिर उसके बाद डालेंगे इसमें गाइस काली मिर्च पाउडर, इसे थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है खाने में। और काली मिर्च की जगह आप दखनी मिर्च भी डाल सकते हो, आप नॉर्मल मिर्च भी डाल सकते हो जो कि मैंने डाली है। और इसके बाद इसको हम कर देंगे बंद और इसे इसमें हम दो सीटी लगा देंगे। इसमें दो सीटी लग जाएंगी तो फिर इसको हम बंद कर देंगे। अब आगे का प्रोसेस करते हैं गाइस। तो ये ले लिया है मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा, इसमें डाल देंगे जितना आटा लिया है उतना ही हम डाल देंगे इसमें बेसन। बेसन आटा बराबर मात्रा में हो गया है, इतना ही बेसन है और इतना ही आटा है। अब इनको मिला लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें डालेंगे अजवाइन, तो इसमें डालेंगे नमक, हल्का ही डालेंगे क्योंकि दाल में भी रहेगा। फिर इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर। फिर इसके बाद डालेंगे इसमें हल्दी, ठीक है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। हल्दी डाल दिए, तो ये ले लिया है मैंने देसी घी, इसको खोल के इसको गर्म करके ही डालना है क्योंकि ऐसे जलेगा नहीं इसमें। तो इसको हम ले लेते हैं इस चमचे में, ठीक है, एक डेढ़ चम्मच के हिसाब से इसको ले सकते हैं। इस घी को मैं इसको इसमें मेल्ट कर लेती हूँ, इसमें मेल्ट हो जाएगा ना तो अच्छी तरीके से आटे में मिल जाएगा। तो ये अच्छा हो गया है, इसमें हो जाएगा ये, इस तरीके से घुमाते चलेगा और इसमें ऐसे डाल दो क्योंकि अभी चमचा ना गर्म है इस तरीके से। अब इसको घी में डल गया है, इसको इस तरीके से मिला लेंगे अच्छी तरीके, ठीक है, इस तरीके से जब ये जुड़ने लगे तो ये समझो अच्छी तरीके से ये हो गया है। अब इसको इसका डो बनाकर तैयार करते हैं, पतला नहीं टाइट बनेगा। ये इस तरीके से डो बन गया है, इस तरीके से हल्का सा घी लेंगे, इस तरीके से घी लेंगे और घी लेकर इसको हाथ पे इस तरीके से इसको डो पे लगा देंगे, ठीक है, इसको ऐसे लगा के घी को 15 मिनट के लिए इसको ढक देंगे, ठीक है। तो ये तड़के के लिए तैयार कर लिया है करी पत्ता, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, टमाटर और प्याज,
और इसमें अब ऐड करना है जीरा। तो जीरा जब भी हम ऐड करेंगे तब इसमें तड़का लगाएंगे। लेते हैं चेक करके कैसा हो गया। आटा बहुत अच्छा हो गया, सॉफ्ट है, ना ज़्यादा टाइट है। अब इसको थोड़ा सा हथेली की सहायता से और इसको कर देंगे टाइट के, इसको तोड़ देंगे इस तरीके से। इतना बड़ा काफ़ी है। तो ये इस तरीके से बॉल बना लिया है। अब ये इसको आटे में, सूखे आटे में इसको डिप कर लेंगे और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे इस तरीके। इस तरीके से मैं पास से दिखा देती हूँ, इतना ठीक है। अब इसको इस तरीके, इसमें से दो बन जाएंगे आराम से, ठीक है। और ये हमारी हो गई इतनी बड़ी। ये ज़्यादा छोटी लग रही हो तो इसको थोड़ा सा और बेल सकते हो। इसको ऐसे पकड़ेंगे और फिर इसको ऐसे पकड़ेंगे, इसको इधर से करेंगे और इसको। तो ये हमारी ढोकली बनकर तैयार है, फ्लावर वाली। तो ये इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से। तो ये मैंने इस तरीके से बना दिए हैं। ये फ्लावर टाइप की भी हैं और इसको जैसे साखे बनाते हैं, बिस्नुआ बनाते हैं, उस तरीके से भी है। तो गाइस अब देखते हैं, अब इसमें तड़का लगाते हैं। ये ले लिया मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई लेने के बाद ये आपको दिखाई दिया है, ये काट लिया है और ये ढेपली बन गई है और इधर दाल चढ़ गई है, चढ़ गई, इसमें सीटी लग गई, गल गया है। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले डालते हैं इसमें तेल, जो मस्टर्ड ऑयल है वो आप कोई भी तेल ले सकते हो जो आप खाते हो और अवॉइड कर। तो ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है अच्छी तरीके से। अब इसमें डाल देते हैं हम जीरा, आपको दिख रहा है ना जीरा, ये जीरा डाल रहा है। हम लहसुन, लहसुन की करी पत्ता ली, ऑप्शनल है ये। ओ माय गॉड, बाद डालेंगे हम इसमें अदरक। ओ माय गॉड, फिर इसके बाद डालेंगे इसमें हरी मिर्च। ओ माय गॉड, डालेंगे इसमें प्याज। ये प्याज को हल्का ही रखेंगे, ट्रांसपेरेंट, जो खाने का टेक्सचर बना रहे। इसमें डाल देंगे टमाटर इस तरीके से। टमाटर को जब तक करेंगे जब तक ये पक नहीं जाए, ओके, गल चुका है। अब इसमें डालेंगे ये दाल जो हमने बॉइल की। तो ये बॉयल आ चुका है इसमें। अब बॉयल के बाद इसमें डालेंगे ये ढोकली जो हमारी बन के तैयार हुई है। ये एक एक करके गैस को, ये फूल के ऊपर आ जाएगी अभी थोड़ी देर में, मैं दिखा दूंगी। पकाना है खुला ही इस तरह। अभी थोड़ी पतली है, अभी और इसको पकाने देंगे। तो कितनी अच्छी बनी है। अब इसको हम बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं। ये मैंने तेल और हल्की सी देगी मिर्च ले ली और इसको इस तरीके से डाल दूँगी। ये हमारी दाल ढोकली बनकर तैयार है, और खाइए। और इसमें फ्लेवर के लिए आप नींबू भी डाल सकते हो इस तरीके से। और ये मेरी दाल ढोकली बनकर तैयार है।
खाइए गाइस, दाल ढोकली।